अभी सावन का मौसम गुजरा है तो उस दौरान क्या होता है, अगर नमी हो तो वो जंग लग जाता है वॉशिंग मशीन में। ये आप टब ड्राई का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं है तो आप स्पिन ओनली को 2 या 3 टाइम्स जो है वो आप उसे रिपीट कीजिएगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टब ड्राई नहीं है तो आपने क्या करना है, क्या ऑप्शन जो है आपने यूज़ करना है। तो चलिए आइए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपकी वॉशिंग मशीन में टब ड्राई का ऑप्शन नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने स्पिन ओनली का फंक्शन जो है आपने यूज़ करना है। क्योंकि आपने देखा कि जो टब ड्राई का फंक्शन था वो तकरीबन 50 मिनट्स का था और 50 मिनट्स तक बस वो मशीन स्पिन ही पे ही थी, घूम ही रही थी और वो जितना भी पानी होगा, बिल्कुल कतरा होगा, तो वो उसे निकाल रही थी। अगर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर टब ड्राई का ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपल यही कर सकते हैं कि आप जितना भी मैक्सिमम स्पिन टाइम आपकी वॉशिंग मशीन में है उसको 2 या 3 टाइम्स जो है आप उसे रिपीट कर लें। जब 2 या 3 टाइम्स आप उसे रिपीट कर लेंगे तो इंस्टेंटली जो है वो आपका टब जो है वो ड्राई हो जाएगा। आपके जितने भी रिमेनिंग वाटर होगा वॉशिंग मशीन का पाइप्स वगैरह के अंदर या ड्रम के अंदर वो निकल जाएगा, क्योंकि ड्रेन ऑफ हो जाएगा वो पानी, तो आपका टब भी जो है वो ड्राई हो जाएगा। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें अभी सावन का मौसम गुजरा है तो उस दौरान क्या होता है, अगर नमी हो तो वो जंग लग जाता है वॉशिंग मशीन में। और अब आगे जो है वो ठंड आने वाली है, विंटर का सीज़न आने वाला है। विंटर के सीज़न में भी क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत भी नमी रह गई वॉशिंग मशीन के अंदर तो जंग लगने का खतरा होता है। तो ये आप टब ड्राई का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं है तो आप स्पिन ओनली को 2 या 3 टाइम्स जो है वो आप उसे रिपीट कीजिएगा। तो चलिए आइए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने मशीन का करना है पावर बटन ऑन। अच्छा, यहाँ इस वॉशिंग मशीन में तो टब ड्राई का ऑप्शन मौजूद है तो जो मैंने यूज़ किया था अब मैं यूज़ नहीं कर रही। अब मैं क्या करूँगी, इसे स्पिन ओनली। अच्छा, मेरे पास जो स्पिन ओनली है वो मैक्सिमम 7 मिनट का है, जो कि यहाँ 9 मिनट दिखाता है लेकिन 7 मिनट का है। इससे पहले जो मेरे पास वॉशिंग मशीन थी उसमें जो है स्पिन टाइम जो है मैक्सिमम 10 मिनट्स का दिया हुआ था। अगर आपके पास इससे ज़्यादा मिनट्स का है तो वेल एंड गुड। आपने क्या करना है, ओनली स्टार्ट का बटन आपने प्रेस कर देना है और अब ये वॉशिंग मशीन का ड्रम जो है वो स्पिन ओनली पर जो है वो इसको अच्छे से ड्राई करेगा। ये देखें अभी बस ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अब ये मशीन जो है वो ड्रम उसका स्पिन हो रहा है। अगर इसके अंदर ज़रा सा भी रिमेनिंग वाटर होगा वॉशिंग मशीन से तो वो पाइप से जो है वो इंस्टेंटली जो है वो निकल जाएगा। तो भी बस मेरी वॉशिंग मशीन में जो है रिमेनिंग वाटर नहीं है क्योंकि वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे से जो है वो स्पिन करती है और सारा रिमेनिंग जो वाटर होता है वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास जो है ये ऑप्शन नहीं है टब ड्राई का तो आप स्पिन ओनली यूज़ करें ताकि एक कतरा भी हो तो वो अच्छे से पानी जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाए। आप इसे रिपीट कीजिएगा 2 या 3 टाइम्स, ईज़िली जो है आपका टब ड्राई हो जाएगा। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन में टब ड्राई नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।